उपस्थित श्रोताओं, देवियों और सज्जनों, आप सबका क्रिएशन कराओ के क्लब की ओर से मेरी आवाज सुनो इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत है। मोहम्मद रफी, संगीत के दुनिया के बेताज बादशाह, अपने फन के लाजवाब बेमिसाल फनकार, जिनकी रूहानी आवाज ने सारे विश्व के संगीतकारों को पागल कर दिया था। हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया के करोड़ों इंसानों के लिए मोहम्मद रफी जी की आवाज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। यूं तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, यूं तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, मौत उसकी है अहम जिसका जमाना अफसोस करे। मोहम्मद रफी साहब ऐसे इंसान, ऐसे कलाकार थे जो बरसों की गर्दिश के बाद जन्म लेते हैं। मोहम्मद रफी साहब की आवाज से लोगों का दिन शुरू होता था और उन्हीं की आवाज पर रात ढलती थी। 31 जुलाई 1980 की वो मनहूस रात जब रफी साहब चांद के पार हमसे दूर, बहुत दूर चले गए, जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। उनके इंतकाल की न्यूज आग के जैसे फैल गई कि रफी साहब अब नहीं रहे, तो करोड़ों संगीत प्रेमी शोक सागर में डूब गए। ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ लुट गया, दुनिया से मौसकी का पयंबर चला गया। रफी साहब की आवाज और गायकी ऐसी थी कि बड़े बड़े शास्त्रीय संगीतकारों और दिग्गज कलाकारों ने उनकी गायकी, अदायकी और सुरेलेपन का लोहा मान लिया था। मोहम्मद रफी साहब ने हजारों फिल्मी, गैर फिल्मी गीतों, गजलों, भजनों, कवाली और देशभक्ति पर गीतों से पूरे संसार में धूम मचा दी थी। उनके गाने किसी गरीब के झोपड़े में बजते थे तो अमीर लोगों के महलों में भी बजते थे। उनकी रसीली आवाज के जादू ने कई अभिनेताओं को बुलंदी पर पहुंचा दिया था। दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर से लेकर प्रदीप कुमार, भारत भूषण जैसे कलाकारों को भी उड़ान भरने की ताकत दी। यहां मैं हनीफ शेखवाबादी का एक शेर पेश करती हूं। हर शख्स का सफल यहां किरदार नहीं होता, हर शख्स का सफल यहां किरदार नहीं होता, हर कोई यहां ऐसा सुपरस्टार नहीं होता। कुछ ही को मिलती है ये शोहरत यहां हनीफ, कुछ ही को मिलती है ये शोहरत यहाँ हनीफ, हर कोई रफ़ी साहब जैसा फनकार नहीं होता, रफ़ी साहब जैसा फनकार नहीं होता। हम सब मोहम्मद रफ़ी साहब की 41वीं पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करते हुए हम सब की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उनका एक सदाबहार गीत, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। राग शिव रंजनी पर आधारित ये गीत सूरज फिल्म का है। हसरत जयपुरी जी ने लिखा है और संगीत का साज चढ़ाया है जाने माने संगीतकार शंकर जयकिशन जी ने, और अपनी मधोश सुरों में गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। पेश कर रहे हैं हमारे सूर्यकांत सावंत जी। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागिनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल सी मेहंदी लगाई ने गोरे हाथों में,
काजल लगाई न प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अपतान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए ना शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की। इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बात है सूर्यकांत जी, बहुत खूब गाया आपने ये गाना। राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गीत लाखों दिलों की धड़कन बन चुका था। दर्शकों, मेरे सनम ये फिल्म 1965 में आई थी। इस फिल्म के हीरो थे बिस्वजीत और अभिनेत्री आशा पारेख ने इस फिल्म में किरदार निभाया था। कश्मीर के सुहाने मौसम में फिल्माया गया ये गीत पॉपुलर हो गया था। अपने सहेलियों के साथ साइकिल पर बैठकर सैर करने वाली हीरोइन के पीछे जीप में बैठे हीरो रफी साहब की मखमली आवाज में उसे किस तरह इंप्रेस करते हैं, यह शूटिंग तो लाजवाब थी। उस जमाने के दर्शकों को यह फिल्म बहुत ही भा गई थी। तो चलो, इस फिल्म का ये बेहतरीन गाना जो राग किरवानी पर आधारित है, पुकारता चला हूं मैं। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी जी और संगीतकार ओपी नैयर साहब, अर्थात गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। हमारे सादिक खान जी आपके सामने इस गीत को लेकर हाजिर होंगे। पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं
ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे। रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं जी, आपने तो कमाल कर दिया। इस गीत में आपने अनेक रंग भर दिए। तो अब चलते हैं अगले पायदान पर। अब हीरो आंखें बंद करके कुर्सी पर लेटा हुआ है। उसकी याद उसे परेशान कर रही है और उसके ख्वाब में सफेद साड़ी में लिपटी खूबसूरत हीरोइन जैसे चांद से उतरकर धरती पर कदम रखते हुए हीरो के चेहरे पर हल्का सा स्पर्श करती है तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। आपको याद होगा कि सन 1961 में एक तूफानी फिल्म आई थी जिसका नाम था जंगली। इस फिल्म को धमाल अभिनेता शम्मी कपूर और बहुत ही सुंदर खूबसूरती से भरी हुई हीरोइन सायरा बानो ने उनके सहज सुंदर अभिनय से सजाया था। तो राग कल्याण पर आधारित गाना है एहसान तेरा होगा मुझ पर। इस गीत को फिल्म में लता जी और रफी साहब ने अलग अलग पेश किया है। लता मंगेशकर जी ने गाए हुए इस गीत को अपनी कलम से सजाया है गीतकार हसरत जयपुरी जी ने और स्वरबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। आपके सामने अब पेश कर रही है अलका फलनिकर जी। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, तुमने मुझको हंसना सिखाया।
मुझ पर। सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत ही बढ़िया गाया अलका जी आपने, आपकी आवाज में वो कशिश जरूर है, क्या बात है। दोस्तों, रफी साहब की आवाज में जैसी जादू थी, वैसे वो हर कलाकार की स्टाइल भी जानते थे। अगर कलाकार नया हो तो वो उसे बुलाकर पूरी तरह से जान लेते थे और फिर उसके अंदाज में गाना गाते थे। दिलीप, देव, राज जब इंडस्ट्री में बुजुर्ग हो गए तो नए कलाकारों की खोज शुरू हुई और उस खोज से निकला एक असल हीरा जो बाद में सुपरस्टार बन गया। जी हाँ, आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, सुपरस्टार राजेश खन्ना। उसकी फिल्म दो रास्ते का ये गाना, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें। राजेश खन्ना और मुमताज के अभिनय से एक नया युग शुरू हुआ। रफी साहब की आवाज ने तो चार चांद लगा दिए। दो रास्ते फिल्म का ये गाना, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनके बेहतरीन अंदाज में संगीतबद्ध किया है, गीतकार है आनंद बख्शी जी, मुलायम आवाज है रफी साहब, तुषार पाटिल जी आपके पेशे खिदमत में लेकर उपस्थित हो रहे हैं। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। शर्म से झुक जाएगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, सारी बातें यही बस रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, के इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी।
मगरूर इतनी हो जाएगी जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी दिल को तड़पाएगी जी को तरसाएगी ये कर देगी दीवाना कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे है सभी इन्हें देख कर जी रहे है सभी इनकी शिकायत करते हैं सारे इनकी शिकायत करते हैं फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं ये क्या जादू है जाने फिर चाक गिरे बा दीवाने इन्हें देख कर सी रहे है सभी इन्हें देख कर सी रहे है सभी ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे है सभी इन्हें देख कर जी रहे है सभी। तुषार जी क्या खूब निभाया आपने इस गाने को, वाह। दर्शकों, हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़ा हादसा हुआ। सन 1964 में पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इंतकाल हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में करोड़ों लोग जमा हो गए थे। पूरा भारत शोक मग्न हो गया था। तो इस दुखद घटना से प्रेरित होकर गीतकार कैफी आजमी ने एक दर्द भरा गीत लिखा, जिसे संगीतकार मदन मोहन ने अपने संगीत से सवारा और रफ़ी साहब ने उसे दिल से गाया। ये गीत उसी वक्त पंडित जी की अंतिम यात्रा पर फिल्माया गया, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी और संजीव कुमार ने हिस्सा लिया और बाद में इस गाने को नौनिहाल फिल्म में जोड़ा गया। गाने के बोल है, मेरी आवाज़ सुनो। अगर आप गाने को ध्यान से सुने तो उसमें पंडित जी का वर्णन और देशवासियों के लिए संदेश सुनाई देगा। तो लीजिए, पेश कर रहे हैं हमारे कृष्ण शेट्टी जी। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर कब मरते हैं थक
प्यार का
आपने इस गाने को पूरा जस्टिस दिया, क्या इमोशन से गाया है आपने, वाह। अब ये अलग गाना, रात का समा, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, जंगल में एक नदी गुजर रही है, उस पर छोटा सा एक लकड़ी का पुल, ठंड से बचने के लिए फायर कैंप जल रहा है, ऐसे में शर्मीला हीरो मनोज कुमार ब्यूटी क्वीन साधना को बड़े प्यार के अंदाज में कहता है, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। ये गीत लिखते समय गीतकार साहिर लुधियानवी अमृता प्रीतम के प्यार में पूरा डूब गए थे। ये गाना उसी प्यार की ही निशानी है। रफी साहब का अमानत फिल्म का ये रोमांटिक अंदाज वाला गीत, जिसे गजलों के शहंशाह साहिर लुधियानवी ने लिखा है, संगीत का रवि ने स्वरबद्ध किया है, पेश कर रहे हैं वसंत नाफड़े जी। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बसने नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदल में चोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदल में चोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ,
करीब आ जाओ। जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। नाफड़े जी, क्या सुंदर पेशकश की है आपने, वाह। पुरानी हिंदी फिल्में अक्सर हमें सपनों की दुनिया में लेकर जाते हैं। कश्मीर की बेहतरीन वादियों को फिल्माया गया था जब जब फूल खिले इस फिल्म में। पूरा कश्मीर बर्फ की चादर ओढ़ कर बैठा है। सभी पहाड़, पेड़, हाउस बोट्स बर्फ में ढक गए हैं। ठंड से पूरे कायनात में कोहरा छाया हुआ है। तालाब के पानी से कोहरे का धुआं निकल रहा है। ऐसे मौसम में हीरोइन बेबी नंदा छोटे शिकारे को लेकर तालाब से गुजरते हुए गा रही है, परदेसियों से ना किया मिलाना। आनंद बख्शी जी के कलम से उतरे इस बेहतरीन गीत को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने, और अपने सुरेल गले से गाया है लता मंगेशकर जी ने। ये गाना रफी साहब ने शशि कपूर के लिए भी गाया है। आपके सामने इस गीत को लेकर आ रही है वनमाला दवेजा। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों कामयाब रही, वाह। फिल्म स्टार शम्मी कपूर को कौन नहीं जानता। उनके नखरे, लटके, झटके पर सारे फिदा हुआ करते थे। भूरे रंग की आंखों वाला ये फेयर लुकिंग हीरो असल में किसी राजकुमार से कम नहीं लगता था। एक जबरदस्त पार्टी का माहौल। वेटर हीरो को शराब का जाम ऑफर करता है तो शम्मी हंसकर कहता है, मैंने शराब छोड़ दी और उसके बिना झूम सकता हूँ। और फिर हीरोइन वैजंती माला को झूमते हुए कहता है, बदन पे सितारे लपेटे हुए। प्रिंस फिल्म का ये बेहतरीन गाना रफ़ी साहब ने पूरे पार्टी का माहौल उनकी आवाज़ से ही खड़ा कर दिया। लव्स हसरत जयपुरी जी के
और संगीतकार शंकर जयकिशन ने इसे स्वरबद्ध किया है। पेश कर रहे हैं दत्ता पेडणेकर जी। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। देखोगे फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। वही मजा कोई देखने वाला आशिक तो हो, नहीं तो ये जलवे है बुझते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। कह गया जमाना ये इंसाफ करता रहे, भला कह गया या बुरा कह गया। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। पेडणेकर जी, आप में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, बहुत ही बढ़िया। संगीतकार राहुल देव बर्मन की जब शुरुआत हुई थी तो उनको एक फिल्म मिली थी अभिलाषा। इस फिल्म में आर डी बर्मन उर्फ पंचम को उनका हुनर दिखाने का मौका मिला और उन्होंने बहुत ही सुंदर धुन बनाई, वादियां मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें। मजरू सुल्तानपुरी के मखमली शब्दों पर संगीत का साज चढ़ाया पंचम दा ने।
और सोने पे सुहागा। रफी साहब ने इस गीत को बुलंदी तक पहुंचा दिया। ये गीत रफी साहब और लता जी ने अलग अलग गाया है और फिल्म में संजय और नंदा पर फिल्माया गया है। इस गीत को दिल से गाने जा रहे हैं अमीन मुल्ला जी। वादियाँ मेरा दामन रास दे मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास दे मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाखे गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास दे मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी, तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन रास दे मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास दे मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। अमीन जी, आपकी आवाज इतनी बेहतरीन है कि मानो वादियों में गूंज रही हो। अच्छी पेशकश की आपने। हम सबके प्यारे हीरो जीतू जी उर्फ जितेंद्र, उनकी जब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई तो उन्हें एक अच्छी फिल्म मिली जिसमें उन्हें जेम्स बॉन्ड जैसा किरदार निभाना था, जो उन्होंने बखूबी निभाया। 1967 में आई इस फिल्म का नाम था फर्ज, और रफी साहब के जिस गाने ने उनको बुलंदी तक पहुंचा दिया वो गाना था मस्त बहारों का मैं आशिक। अर्थात जीतू जी के साथ तूफानी डांस करने के लिए इस गाने में डांसर अरुणा ईरानी को लिया गया था। मेन हीरोइन थी बबीता। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धमाल संगीत का परिचय दिया, आनंद बख्शी ने लफ्जों का माहौल खड़ा किया, और तूफानी गायक रफी साहब ने
इंडस्ट्री में तूफान मचा दिया है। आपके सामने पेश करने जा रहे हैं प्रदीप वाठे। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साये से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साये से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने हा, मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने हा, किसको है जरूरत तेरी ए जमाने हा, मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साये से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे हा, मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे हा, मेरी राहें रोक ले नजरे तू बिछा दे हा, तेरे सर की है कसम मैं जो चला गया सनम, तो ये रुत भी चली जाएगी, ये तो यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साये से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। सबको ये बता दो कह दो हर नजर से हा, सबको ये बता दो कह दो हर नजर से हा, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हा, बतला दो जहां को समझा दो खिजा को, आए जाए यहाँ ना कोई, ये गुलसिता है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साये से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है
मेरे लिए 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 मेरे लिए। प्रदीप जी, आपकी भी आवाज में तूफान जरूर है, अच्छी मेहनत है आपकी। दोस्तों, हम जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे और जब कभी एक स्टूडेंट का प्रोग्राम होता है तो स्टेज पर जाकर गाना पेश करना ये बड़े शान की बात है। दोस्ताना फिल्म में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा, ये दोनों दोस्त माइक लेकर जब स्टेज पर आते हैं तो बीती हुई यादों पर गीत पेश करते हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आनंद बख्शी जी ने ये गीत लिखते समय शब्दों का अचूक उपयोग किया है, इसलिए ये गाना दिल को छू जाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं, और संगीत की दुनिया के दो महारथी किशोर कुमार और रफी साहब। प्रोग्राम का दूसरा पार्ट आपकी पेशे खिदमत जल्दी आएगा। तब तक मैं यानी अंजुम पन्ना आपसे अभी के लिए विदा लेती हूँ।